हरि ओम येनाक्षर समाम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 38वां पाठ है। इस पाठ श्रृंखला में पिछले 10 पाठों से हम कर्म कारक का अध्ययन करते आ रहे हैं। कर्म कारक के अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर 10 सूत्र हैं। इनका इन्हीं पाठों में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब आज के पाठ में इन्हीं 10 सूत्रों का हम संक्षेप में पुनरावर्तन कर लेंगे। इस पुनरावर्तन में हर सूत्र की वृत्ति, उसके उदाहरण और उनसे संबंधित मुख्य शास्त्र विषय, इनको हम फिर से स्मरण कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बोला, सूत्र पाठ में कर्मकारक के 10 सूत्र है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 सूत्र, कर्तुरीप्सिततमं कर्म और तथायुक्तम चानीप्सितम, इन 2 सूत्रों से ही मूल रूप से कर्म संज्ञा का विधान होता है। बाकी बचे 8 सूत्रों से अन्य कारक के संदर्भ में कर्म संज्ञा का विधान होता है। वो इस प्रकार से क्रम से देखते हैं। पहले कर्तृकारक का बाध करके कर्म कारक का विधान 2 सूत्रों से किया जाता है। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणौ और ऋक्रोर अन्यतरस्याम। बाद में करण कारक के चलते कर्म कारक का विधान 1 सूत्र से किया गया है, दिवह कर्मच। आगे संप्रदान कारक का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान 1 सूत्र से किया गया है, कृधद्रुहो रूपसृष्टयो हो कर्म। आगे अपादान कारक का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करने वाले कोई भी सूत्र नहीं है। उसके आगे अधिकरण कारक का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान 3 सूत्रों से किया जाता है, अधिशीन स्थासाम कर्म, अभिनिवेशश्च और उपान वध्यांगवसहा। अंत में अन्य कारकों की अविवक्षा करने पर कुछ विशिष्ट धातुओं के लिए अकथित ऐसी जो कारक शक्ति, उसके निर्देश के लिए कर्म कारक का विधान अकथितंच इस सूत्र से किया है। इस तरह से ये 10 सूत्र अष्टाध्यायी में कर्म कारक के लिए पढ़ाए गए हैं। इन्हीं सूत्रों का आज हमें सिंहावलोकन करना है। तो सबसे पहले कर्म कारक का जिन 2 सूत्रों से मूल रूप से विधान किया जाता है उनके बारे में याद करते हैं। उनमें से पहला सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इस सूत्र की ये वृत्ति हमें याद रखनी है, कर्तुहु क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। क्रिया द्वारा जिस चीज को पाने की कर्ता की सबसे ज्यादा इच्छा हो वह कारक कर्म संज्ञक होता है। इसी को दूसरी भाषा में बताए तो कर्ता क्रिया के फल को जिस पदार्थ में देखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। जैसे कि चावल पकाने वाला देवदत्त पकाने की क्रिया का फल यानी कि पक्वता चावल में देखता है, और इसीलिए देवदत्त के लिए पकाने की क्रिया का ईप्सिततम चावल है, और यही कारण है कि चावल इस पदार्थ की कर्तुरीप्सिततम कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर देवदत्ता ओदनम पचति यह प्रयोग बन जाता है। इसी तरह से देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्ता पत्रम लिखति, देवदत्ता सूर्यम पश्यति, ये सारे वाक्य भी सिद्ध होते हैं। इस सूत्र का दलक कृत्य एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र का पहला शब्द कर्तुहु, कर्तृ इस शब्द का यह षष्ठी एकवचन है। कर्ता का जो ईप्सिततम उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। सूत्र में कर्तुहु यह पद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि
कर्ता के अलावा अन्य किसी का जो ईप्सिततम, उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो रही। जैसे कि कर्म का जो ईप्सिततम, उसकी यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होती। इसका उदाहरण देते हुए काशिकाकार बोलते हैं, कर्तुः इति किम्, माशेषु अश्वं बध्नाति, कर्मणः ईप्सिताः माशाः न कर्तुः। सूत्र का दूसरा शब्द ईप्सिततम, यहाँ ईप्सित यह मूल शब्द है, वो भी आप्तुम इष्टम इस अर्थ में, आप इस धातु से सन प्रत्यय लगाकर उससे क्त प्रत्यय लगाकर बन गया है। जिस वस्तु को प्राप्त करने की कर्ता की चाह होती है, वह वस्तु उसका ईप्सित बन जाता है। और ऐसे कई सारे ईप्सितों में जो प्रकृष्ट यानी कि सबसे ज्यादा चाह जिसके बारे में हो, वह ईप्सिततम बन गया। अब यहाँ क्रिया की बात हो रही है, तो क्रिया द्वारा जिस चीज को पाने की सबसे ज्यादा चाह हो, वह कर्ता का ईप्सिततम बन जाएगा। और ऐसे ईप्सिततम की इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, यही बताने के लिए इस सूत्र में ईप्सिततम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ये भी मतलब है कि जो ईप्सित है लेकिन ईप्सिततम नहीं है, उसकी प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं होती। इसी को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने दधना ओदनम भुंते, पयसा ओदनम भुंते ये प्रयोग बताए हैं। अब इस सूत्र के अध्ययन के समय हमने कर्म शक्ति के तीन अलग अलग प्रकार भी वाक्य पदीयम के आधार से देख लिए थे। भर्तृहरि वाक्य पदीयम में बोलते हैं, निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम चेति त्रिधा मतम तत्रेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से बताया हुआ कर्म पद तीन प्रकार का होता है, निर्वर्त्यम कर्म, विकार्यम कर्म और प्राप्यम कर्म। जब किसी क्रिया के द्वारा कर्म संज्ञक पदार्थ की निर्मिति हो जाती है, तब उस पदार्थ को निर्वर्त्यम कर्म बोलते हैं। जैसे कि देवदत्तः घटं करोति, यहाँ घट यह निर्वर्त्यम कर्म है। जहां कर्म संज्ञक पदार्थ पहले से उपस्थित होता है लेकिन क्रिया के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है, वहां उसे विकार्यम कर्म कहते हैं। जैसे कि देवदत्तः ओदनम खादति, यहाँ ओदनम यह हो गया विकार्यम कर्म। अंत में जहां कर्म संज्ञक पदार्थ में क्रिया के द्वारा कोई भी बदल दिखाई नहीं देता, वहां प्राप्यम कर्म होता है, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि देवदत्तः पुस्तकम् पठति, यहाँ पुस्तकम् यह प्राप्यम कर्म हो गया। अंत में इस सूत्र के विषय में हमने ये भी पढ़ लिया था कि हर धातु का कर्म पद हो ये जरूरी नहीं। कुछ धातुओं के विषय में कर्ता का ईप्सिततम वह कर्ता ही होता है। जैसे कि देवदत्तः हसति, इस वाक्य में हसति इस क्रिया द्वारा देवदत्त का ईप्सिततम वह खुद ही है, क्योंकि वह खुद में ही हंसने का फल देख रहा है। इस प्रकार के धातु धातु पाठ में अकर्मक रूप से परिगणित है और इनकी कुल मिलाकर संख्या लगभग 650 है। इनके अन्य भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि देवदत्तः शेते, देवदत्तः वर्धते, देवदत्तः यतते, देवदत्तः मुह्यति वगैरह वगैरह। यह सब हो गया कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस पहले सूत्र के विषय में। आगे दूसरा सूत्र देखते हैं, तथा युक्तम चानीप्सितम। यहां सबसे पहले तो ये याद रखना है कि तथा और युक्तम ये दो अलग अलग पद है। अब इस सूत्र की वृत्ति जो हमें याद रखनी है वो है, ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्।
क्रिया से युक्त जो अनीप्सित कारक, वह भी ईप्सिततम कारक के जैसे, यानी कि क्रिया के फल का आश्रय होकर भी अनीप्सित होने से कर्म संज्ञक हो जाता है। यहाँ अनीप्सित इस शब्द के अर्थ पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, न ईप्सितम अनीप्सितम। यहाँ न तत्पुरुष समास है और यह पर्युदास का उदाहरण है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए काशिकाकार इस विषय में बोलते हैं, ईप्सिताद अन्यत् सर्वम् अनीप्सितम् द्वेष्यम् इतरत्च। ईप्सित से भिन्न ऐसे सारे विषय अनीप्सित हैं। भिन्न मतलब क्या? तो यहाँ दो प्रकार के पदार्थों का निर्देश संभव है। एक तो वो पदार्थ जो द्वेष यानी कि कर्ता द्वारा अनचाहे हो। इसका उदाहरण है, ग्रामम गच्छम अहिम लंघयति, ओदनम भुंजानहा विषम भुंते, वगैरह वगैरह। और अनीप्सित शब्द का दूसरा अर्थ है उदासीन पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके होने या ना होने से कर्ता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ग्रामम गच्छन् तृणम् स्पृशति। यही उदाहरण कौमुदी में भी हमें मिलते हैं। अगला सूत्र अकथितंच। इस सूत्र की वृत्ति है अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम् कारकम् कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान इत्यादि कारकों से अविवक्षित ऐसे कारक के निर्देश के लिए कर्म संज्ञा का प्रयोग होता है। यहां हमने व्याख्यानों में ये भी देख लिया था कि इस सूत्र का केवल कुछ विशिष्ट धातुओं के लिए ही प्रयोग होता है और उनके परिगणन के लिए सिद्धांत कौमुदी में एक कारिका भी दी गई है। इस कारिका को आपको अवश्य याद करना है, दुह्याच पच दंड रुधि प्रच्छि चिब्रुषा सुजी मथ मुषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्या नीरु कृष्वहाम। इस कारिका में कुल मिलाकर 16 धातु है जिनके बारे में हमने अकथितंच इस सूत्र के अध्ययन के समय सोदाहरण चर्चा की है। गोपालः गाम्पयः दुग्धी वामनः बलिम वसुधाम याचते इत्यादि इनके उदाहरण हैं। इस कारिका के संदर्भ में सिद्धांत कौमुदीकार ये भी बोलते हैं कि अर्थ निबंधना यम संज्ञा, यानी कि जो 16 धातु कौमुदीकार ने दिए हैं उन्हीं के अर्थ में बताए गए अन्य धातुओं के विषय में भी प्रस्तुत सूत्र से अकथित कारक की कर्म संज्ञा अवश्य हो सकती है, जैसे कि माणवकम धर्मम भाष्यते इत्यादि। अकथितंच सूत्र में ही आगे कौमुदीकार ने एक वार्तिक भी पढ़ाया है, अकर्मक धातु भी योगे देशः कालः भावः गंतव्यः अध्वा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम्। इसका अर्थ आपको ये याद रखना है, अकर्मक धातुओं के संदर्भ में देश यानी कि स्थल, काल भाव और गंतव्य अध्वा यानी कि मार्ग का परिमाण, इनकी कर्म संज्ञा होती है। इनके उदाहरण भी आपको इस तरह से याद रखने हैं, कुरून स्वपीति कुरुओं के देश में सोता है, मासम आस्ते एक माह तक बैठता है, गोदोहम आस्ते गाय का दूध निकाले जाने तक रुकता है, क्रोशम आस्ते एक कोस तक गाड़ी इत्यादि में बैठता है। इस तरह से लगभग सभी अकर्मक धातुओं के योग में कर्म संज्ञा का होना संभव है। यही बात भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में एक कारिका द्वारा स्पष्ट कर दी है, काल भावाध्वदेशानाम अंतर्भूत क्रियांतरैहि सर्वैहि अकर्मकैहि योगे कर्मत्वम उपजायते। काल भाव अध्वा और देश, इनका ग्रहण हर अकर्मक धातु के साथ हो सकता है, जिससे सारे ही अकर्मक धातुओं में कर्मत्व की प्राप्ति हो सकती है।
इसके कई सारे उदाहरण हम भी दे सकते हैं। मासम क्रंदति, यानी कि एक मास तक रोता है। कुरूल तिष्ठति, कुरों के देश में रुकता है। पाकम जागर्ति, जब तक पचन क्रिया चल रही है जागता है। क्रोशम नृत्यति, एक कोस तक नाचता है, इत्यादि। इसी सूत्र में हमने एक और बात देखी थी, क्रिया विशेषणम अकर्मकाणाम अपि कर्म भवति। क्रिया विशेषण कर्म संज्ञक होते हैं, सकर्मक धातुओं के विषय में तो होते ही है, परंतु अकर्मक धातुओं के विषय में भी होते हैं। जैसे कि शीघ्रम पतति, मंदम हसति, दीर्घम क्रंदति। इन वाक्यों में शीघ्र, मंद, दीर्घ इनकी कर्म संज्ञा है और उससे द्वितीया विभक्ति हो गई है। आगे चलते हैं। अब कर्तृ संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करने वाले दो सूत्र हम देखेंगे। उनमें से पहला सूत्र, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ। इस सूत्र के द्वारा णिजन्त प्रयोग में शुद्ध कर्ता की कर्तृ संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान होता है। इसका अर्थ हमें इस प्रकार से याद रखना है, गत्यर्थानाम बुद्ध्यर्थानाम प्रत्यवसानार्थानाम च धातूनाम तथा च शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम च अण्यन्तानाम यः कर्ता सः ण्यन्तानाम कर्म संज्ञः भवति। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के विषय में शुद्ध धातु का जो कर्ता, वह ण्यन्त प्रयोग में कर्म संज्ञक बन जाता है। इसके क्रम से उदाहरण है, माणवकम ग्रामम गमयति, माणवकम धर्मम बोधयति, माणवकम ओदनम भोजयति, माणवकम वेदम अध्यापयति और माणवकम शाययति। वैसे तो कौमुदीकार ने बहुत ही रोचक उदाहरण कारिका के रूप में दिए हैं, तो उन्हें भी आप अवश्य याद करें। शत्रून गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयद विधिम आसयत सलिले पृथ्वीम यह समे श्री हरिर्गति। इसी सूत्र में हमने सात वार्तिक भी पढ़े थे। पहला, नी वह्योर न। नी और वह धातु के विषय में प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता, यानी कि गत्यर्थक होने पर भी ण्यन्त प्रयोग में शुद्ध कर्ता की कर्तृ संज्ञा ही रहती है। जैसे कि पिता देवदत्तेन भारम नाययति या फिर पिता देवदत्तेन भारम वाहयति। इसी वह धातु के विषय में इस वार्तिक का प्रतिषेध करने वाला दूसरा वार्तिक भी हमने पढ़ा था, नियंतृकर्तृकस्य वहेः अनिषेधः। जहां वह धातु का प्रयोग सारथी इस संदर्भ में किया जाता है, वहां प्रस्तुत सूत्र की अवश्य ही प्राप्ति है। जैसे कि सूतः अश्वान रथम वाहयति। यहां अश्व यह शुद्ध क्रिया का कर्ता है और इसकी णिजन्त प्रयोग में अवश्य ही कर्म संज्ञा हुई है। तीसरा वार्तिक, अधिखाद्योः न। अद और खाद इनके विषय में भोजनार्थक होने पर भी प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता। पिता बटुना अन्नम आदयति या फिर पिता बटुना अन्नम खादयति। आगे चौथा वार्तिक, भक्षेः अहिंसार्थस्य न। भक्ष धातु के प्रयोग में हिंसा न होने पर प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि पिता बटुना अन्नम भक्षयति। हिंसा होने पर तो प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग अवश्य ही होगा, जैसे कि कृषिकः बलिवरदान सस्यम भक्षयति। आगे पांचवा वार्तिक, जल्पति प्रभृतीनाम उपसंख्यानम। जल्प और भाष इन दो धातुओं के विषय में शुद्ध कर्ता की णिजन्त प्रयोग में कर्म संज्ञा होती है। देवदत्तः पुत्रं धर्मं जल्पयति या फिर देवदत्तः पुत्रं धर्मं भाषयति। आगे
छठा वार्तिक दृशेश्च। दृश इस धातु के विषय में भी इस सूत्र की प्राप्ति है। अर्चकहा हरिहि भक्तान दर्शयति। आगे सातवा और अंतिम वार्तिक शब्दायतेर्न। शब्दायते इस नाम धातु के विषय में प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता। पिता देवदत्तेन शब्दाययति। अगला सूत्र रुक्रोरन्यतरस्याम। रुक्रोः अणौ यः कर्ता सः णौ वा कर्मसंज्ञः स्यात्। रु और क्रु इन दो धातुओं के विषय में शुद्ध कर्ता की ण्यंत प्रयोग में विकल्प से कर्मसंज्ञा होती है। इसके उदाहरण है देवदत्तः भृत्यं कटं हारयति या फिर देवदत्तः भृत्येन कटं हारयति। उसी तरह से देवदत्तः भृत्यं कटं कारयति या फिर देवदत्तः भृत्येन कटं कारयति। इस सूत्र में हमने ये भी देखा था कि इस सूत्र द्वारा दी गई विभाषा उभयत्र विभाषा है। आगे हमने एक वार्तिक भी यहां देखा था अभिवादिदृशो हो आत्मनेपदे वा इति वाच्यम्। अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश धातु इनके विषय में यदि शुद्ध धातु का आत्मनेपद में प्रयोग होता है तो फिर उसके णिजंत प्रयोग में शुद्धकर्ता की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। यह भी उभयत्र विभाषा ही है। इसका उदाहरण है अर्चकः देवं भक्तं भक्तेन वा अभिवादयते या फिर अर्चकः देवं भक्तं भक्तेन वा दर्शयते। आगे चलते हैं। अब संप्रदान कारक का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करने वाला एक सूत्र क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। सोपसर्गयोः क्रुधद्रुहोः यम प्रतिकोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति। क्रुध और द्रुह इन धातुओं का जब उपसर्ग के साथ प्रयोग होता है तब जिस पर कोप हो उसकी क्रुधद्रुहेर्षासूयार्थानां यम प्रतिकोपः इस सूत्र से प्राप्त संप्रदान संज्ञा का बाध करके प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा दी जाती है। इसके उदाहरण है क्रूरम अभिक्रुध्यति और क्रूरम अभिद्रुह्यति। अगला सूत्र दिवः कर्म च। कर्ण संज्ञा के चलते इस सूत्र से कर्म संज्ञा का विधान होता है। दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् चकारात् कर्णसंज्ञं च। दिव इस धातु के योग में साधकतम की कर्ण संज्ञा और कर्म संज्ञा ये दोनों संज्ञाएं इस सूत्र से एक साथ दी जाती है। इसका उदाहरण है अक्षयी दीव्यति और अक्षान दीव्यति। यहां कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा ये साथ साथ क्यों आवश्यक है इसके भी दो उदाहरण हमने देखे थे मनसा देवः और अक्षयी देवयते। मनसा देवः इस उदाहरण में कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मण्यण इस सूत्र से अण प्रत्यय हो गया और कर्ण संज्ञा होने के कारण कर्तृकर्णयो तृतीया इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई जिसका आगे अलुक करके मनसा देवः यह शब्द बन गया। अक्षयी देवयते इस उदाहरण में कर्म संज्ञा होने के कारण सकर्मकत्व और उससे अणावकर्म का चित्तवद कर्तृकात् इस सूत्र का बाध करके आत्मनेपद की प्राप्ति हो गई और कर्ण संज्ञा होने के कारण फिर से एक बार कर्तृकर्णयो तृतीया इस सूत्र से अक्षयी इस शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई। अब बाकी बचे हुए तीन सूत्र आधार की अधिकरण संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा का विधान करते हैं। उनमें से पहला सूत्र अधिशीं स्थासाम कर्म। अधिपूर्वाणाम शीं स्था आस इत।
इत्येतेषाम् आधारः यः तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति। अधि इस उपसर्ग से जुड़े हुए शी, स्था और आस इन धातुओं का जो आधार उसकी कर्म संज्ञा होती है। इसके उदाहरण है ग्रामम अधिशेते, ग्रामम अधितिष्ठति और पर्वतम अध्यास्ते। कौमुदी के उदाहरण भी याद रखो, वैकुंठम अधिशेते, वैकुंठम अधितिष्ठति, वैकुंठम अध्यास्ते। अगला सूत्र अभिनिविशश्च, कौमुदी की वृत्ति यहां हमें याद रखनी है। अभिनी इत्येतस्य संघात पूर्वस्य विशतेः आधारः कर्म स्यात्। अभिनी विश इस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। इस सूत्र के अध्ययन के समय हमने पापे अभिनिवेशः, कल्याणे अभिनिवेशः इस तरह के भी कुछ उदाहरण देखे थे और इनके साधुत्व के लिए व्यवस्थित विभाषा का चिंतन किया था। अंत में कर्मकारक के प्रकरण का दसवां सूत्र उपान वध्यांगवसः। उप अनु अधि आंग इत्येवं पूर्वस्य वसतेः आधारः यः तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति। उपवस, अनुवस, अधिवस और आवस इन धातुओं का जो आधार वह कारक कर्मसंज्ञक होता है। हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति और हरिः वैकुंठम आवसति ये इसके उदाहरण हैं। यहां हमने एक वार्तिक भी देखा था, काशिका में यह वार्तिक दिया है, वसेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। कौमुदी में कुछ भिन्न रूप से दिया है, अभुक्त्यर्थस्य न। दोनों का अर्थ एक ही है। वस धातु जब उपवास रखना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है तब प्रस्तुत सूत्र का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि वने उपवसति। इस प्रकार से कर्मकारक के प्रकरण में पढ़ाए गए सारे 10 सूत्र उदाहरणों के साथ और कुछ शास्त्र विषय के साथ हमने आज के पाठ में देख लिए। अब अगले पाठ में हम अगला कारक यानी कि कर्तृकारक इसकी चर्चा करेंगे।